हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस चैटर्जी की दुनिया। होप मेरे सभी फ्रेंड हैप्पी है और हेल्दी भी है। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैंने जहाँ से ख़त्म किया था, ये वीडियो मैं आप मतलब सोच सकते हैं कि मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं प्लांट शॉपिंग के लिए गई थी, तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं प्लांट्स लेके घर आ चुकी हूँ। हाँ, मैंने ख़रीदारी कर ली है प्लांट्स की, तो अब वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ कि मैंने अपने प्लांट्स को कैसे रिपॉट किया और किस तरह से मैंने सॉइल रेडी की, उसी पर है मेरा ये आज का वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि लास्ट में एक और सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं मेरे घर के, जो मैंने अभी अपने दूसरे बैल्कनी में मैंने शिफ्ट कर दिया है। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये मैंने एक ख़रीदा है। सिर्फ यही नहीं, और भी प्लांट्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिसको मैंने एक डिस्कार्डेड डिश में रख दिया है और पानी के ऊपर रख दिया, क्योंकि पानी सूख गया था इसका, ड्राई हो गया था बहुत। तो इसको अभी मुझे रिपॉट करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए डिश में पहले से पानी डाल के उस पर मैंने रख दिया है। और प्लांट्स रिपॉट करने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है सॉइल को रेडी करना। यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सॉइल रेडी कर रही हूँ। मैं बता दूँ, सॉइल में मैंने मिलाया है, ये गार्डन सॉइल लिया है मैंने, और मैंने सैंड लिया है, उसके अंदर मैंने मिलाया है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। मैंने ऐसा तो कोई मेजरमेंट मैंने प्रॉपर नहीं किया है, लेकिन अपने हाथों से ही मैंने सब कुछ किया है। वो आप मतलब 40-20-20-20 इस रेशियो में मैंने लिया है, 40 गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 20% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट। और यहाँ पे मैं बता दूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं सभी काम अपने हाथों से ही कर रही हूँ। ग्लव्स पहनने चाहिए मुझे पता है, लेकिन मुझे ग्लव्स पहन के काम करने में दिक्कत होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ मैं काम करने में। तो मैं अपना हाथों से ही सब कुछ कर रही हूँ, हाथों से ही सब करती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से धो लेती हूँ अपने हाथ को। तो यहाँ पे जो है मिट्टी को मैं हाथों से ऐसे ही मसल मसल के, उसके जो गांठ है उसको तोड़ के अभी इसको मैं पॉट के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बार ना कुछ नए प्लांटर्स भी लिए हैं। ये जो प्लांटर्स आप देख रहे हैं, हैंगिंग प्लांटर्स, ये मैंने इस बार नए लिए हैं। इस प्लास्टिक के पॉट में मैं प्लांट्स इस पहली बार मैं लगा रही हूँ। उससे पहले मैंने, जब भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं, मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ कि वो मिट्टी के हो या टेराकोटा के हो, लेकिन इस बार मैंने कुछ प्लास्टिक के पॉट्स की भी मैंने ख़रीदारी की है। तो देखते हैं वहाँ उस पर जो प्लांट्स हैं वो कैसे चलते हैं, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इस बार पहली बार है। और ये एक प्लांट मैंने लिया है जो कि इंडोर प्लांट है, उसको निकालने में, ये एक्चुअली प्लास्टिक बैग में आया था, और इसको निकालने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं, आपको उतना पता नहीं चलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसको मतलब प्लास्टिक से अलग करने में, क्योंकि जो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं कैसे निकालूं, क्योंकि जो रूट्स हैं ना वो कहाँ कहाँ प्लास्टिक बैग, एक छोटा सा ही प्लास्टिक बैग था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में मैंने डिस्कवर किया जो प्लास्टिक बैग है ना वो स्टिच किया हुआ है बीच में से, और उस स्टिचेस के अंदर जो है रूट्स चला गया है, तो मुझे एक एक करके स्टिच काट कर प्लास्टिक को निकालना पड़ा। उसके बाद मैंने इसको मेरा जो प्लांटर है उसमें डाला, मतलब मैं तो पहले बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो गई थी मैं सचमुच, जैसे मैं अब फंबल कर रही हूँ बोलने में ना, तब भी मैं ऐसी कंफ्यूज हो गई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं उसके पास लेकर जाऊँगी और कहूँगी कि तुम अलग कर दो, मुझसे नहीं होगा क्योंकि रूट्स ख़राब हो जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो गया था इस प्लांट को लेकर कि मैं क्या करूँ। मैं एक एक स्टिच मैंने काट कर मैंने निकाला है इस प्लांट को, इस प्लास्टिक बैग से इतना अंदर घुस चुका था, आपको देखकर शायद उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत हुई थी इसको निकालने में। पता नहीं प्लास्टिक बैग में क्यों रखते हैं ये लोग प्लांट्स को, कैसे उन लोगों के पास तो अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ही दिक्कत होती है घर लाने के बाद। बट एनीवे फाइनली वो निकल गया था,
और मैंने उसको पॉट में प्लांटर में लगा भी दिया। इसको मैं अपने सिरामिक प्लांटर में लगा रही हूँ और इसको मैं घर के अंदर रखूँगी। मुझे बहुत दिनों से ऐसे एक पाम ट्री की एक बहुत दिनों से मुझे एक शौक थी कि मैं ऐसे एक, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये बहुत लंबे होते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो मुझे मेरे घर के एक कॉर्नर में ऐसे एक लंबे वाले प्लांट्स रखने की मुझे बहुत पहले से शौक थी। तो देखते हैं अब ये कैसे चलता है मेरे पास। और बाकी के जो छोटे छोटे प्लांट्स मैं लाई थी अब उन सबको मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। लाई तो मैं बहुत ढेर सारी प्लांट्स इस बार लाई हूँ। मैं पिटूनिया लाई हूँ, कॉशमॉस लाई हूँ, पैंसी है, डायंथस है, कैलेंडुला है, और क्या क्या बताया, जरबेरा है, गजेनिया है, और मेरी गोल्ड तो है ही, वो तो कॉमन प्लांट्स होता है विंटर के, वो भी लेके आ गई मैं। अब ये लोग एक्चुअली ये जो प्लांट्स होते हैं ये इतने छोटे होता है, इतने डेलिकेट होता है ना कि मतलब इसको पकड़ने में ही बहुत डर लगता है कि कहीं इसको ये टूट ना जाए, किसका कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इतना मतलब एकदम बेबी प्लांट होता है ना वैसा होता है। तो मुझे तो पकड़ने में ही बहुत डर लगता लग रहा था और मैंने डर डर के ही इसको निकाला है। जो छोटे छोटे जो मिट्टी के पॉट्स में आता है ना उसमें से मैंने निकाल के इसको मिट्टी में जब डाल रही थी तो मुझे बहुत डर ही लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन चल जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही लाती हूँ ये प्लांट्स, ये वाले प्लांट्स नर्सरी से लाती हूँ तो मेरे पास तो चल जाते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन इस बार का वेदर भी काफ़ी क्लाउडी वेदर है तो देखते हैं क्या होता है, फाइनली कैसे चलते और होप। और ये प्लास्टिक के जो पॉट्स मैंने बताए थे ना इसमें देखते हैं कैसे चलता है। इसको मैं बैल्कनी में हैंग करूँगी। इससे पहले मैंने ऐसे प्लास्टिक के पॉट्स कभी यूज़ नहीं किया है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो देखते हैं किस बार क्या होता है इस प्लास्टिक के पॉट्स में, रिजल्ट्स कैसे आते हैं प्लांट्स के। तो ऐसे करके एक एक करके सारे प्लांट्स, और कुछ में मैंने ना दो प्लांट्स भी लगाए हैं क्योंकि ये जो सीजनल प्लांट्स होते हैं इसके रूट्स जो है वो बहुत गहरे तक नहीं जाते हैं, रूट्स जो है वो छोटा छोटा ही होता है। तो एक प्लांटर में आप दो प्लांट्स आराम से लगा सकते हैं। मैंने पूछ भी लिया था नर्सरी में जब मैं खरीद रही थी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप दो प्लांट्स आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चल जाती है। तो क्योंकि सीजनल प्लांट्स है, उन्होंने भी वही कहा कि रूट्स इतने बड़े या गहरे नहीं जाते हैं गहराई तक, तो चल जाते हैं आप अगर ठीक से टेक केयर करो तो वो चल जाते हैं। तो इस बार मैं वही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कितना क्या होता है। जैसे जैसे जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँगी और आप लोग देखिएगा वीडियो। और लास्ट वाला जो मेरा जो वीडियो था इसका जो पार्ट वन था जहाँ पे मैंने प्लांट्स शॉपिंग की और नेट दक्षिणेश्वर टेंपल भी विज़िट किया था मैंने, उस पर जो वीडियो मैंने बनाई थी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और ये एक सदाबहार का मैं पौधा लाई हूँ, ये थोड़ा बड़ा पौधा है लेकिन इसका जो मिट्टी है ना ये भी प्लास्टिक बैग में ही आया था, लेकिन वो प्लास्टिक बैग निकलने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गीली थी, बहुत गीली मिट्टी थी। और फाइनली अब आती है क्लीनिंग की बारी। ये हो रही है क्लीनिंग क्योंकि काम करने के बाद गंदा तो होता ही है और क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, एक्चुअली ये सरप्राइज़ हमारे लिए भी था। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी कज़िन हैं, हमारे घर आसपास ही रहते हैं, हम सब एक साथ मिलके रहते हैं। इन सब ने मिलके मेरे बेटे का, उनका छोटा, उन लोगों का तो छोटा भाई है मेरा बेटा, एक सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन अरेंज किया था
जिसमें हम बड़ों के लिए नो एंट्री था, तो कोई इसमें बड़ा आपको नहीं दिखेगा। ये भाई बहन मिलकर, सबने मिलकर एक सरप्राइज़ अरेंज, सरप्राइज पार्टी बोल सकते, एक सरप्राइज़ अरेंज किया था जो किसी को भी नहीं पता था। और हम सब ने फाइनली सब ने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया है। सरप्राइज़ हर किसी को पसंद है, हमें भी पसंद है, तो बहुत ही इंजॉय किया था। तो यही था आप लोगों के लिए कि अब देखिए इन लोगों ने कैसे मस्ती की है, तो इन लोगों के मस्ती के साथ ही इंजॉय कीजिए आप लोग भी, देखिए इन लोगों की मस्ती। Enjoy, come on. Yeah, enjoy. 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 Enjoy